बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे लॉगरिथम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 है। तो हमें पहले क्वेश्चन में कॉमन लॉग दिया हुआ है, कॉमन लॉगरिथम वो क्या दिया हुआ है, 3.5621 ये हमें दिया हुआ है कॉमन लॉगरिथम। ये बात याद रख लें, जहाँ हमें दिया होगा कॉमन लॉगरिथम उसका हमने एंटी लॉग निकालना होगा। एंटी लॉग कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, जैसे हमने लॉग निकाला है वैसे एंटी लॉग भी निकालेंगे। ये एंटी लॉग, एंटी लॉग हमें कहाँ से निकलेगा, एंटी लॉग टेबल से। तो अब हम एंटी लॉग टेबल पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं, अच्छा यह बात याद रखें, टेबल ऑफ लॉगरिथम और टेबल ऑफ एंटी लॉग में बहुत फ़र्क है। लोग बहुत सारी गलतियां करते थे, वो यहाँ से निकाल लेते हैं, उनका आंसर भी गलत हो जाता है। ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है और ये जो है ये टेबल ऑफ एंटी लॉग है। तो हमें नंबर दिया हुआ है 56, ये देखें ये यहाँ नंबर लिखे होते हैं ये, तो यहाँ 56 कहीं नहीं आ रहा। हमें 56 का 2 निकालना है, फिर 56 का 2 ये देखें 3648, और इसका 1 मीन डिफरेंस, इसका मीन डिफरेंस भी 1 ही है। इसे आप कैलकुलेट करते हैं, देखें कैलकुलेट किया, ये हमने निकाला 56 का 2 और ये 1 मीन डिफरेंस। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये निकला, तो ये निकल चुका है 3649। पॉइंट किस जगह होता है इस जगह, और आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट को आप यहाँ रख के करेंगे ना, तो इसमें प्लस वन करेंगे, क्या करेंगे प्लस वन। अगर हम प्लस वन करेंगे, अब प्लस वन किस में करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमने इसको इग्नोर किया था, हमने स्टार्ट इधर से लिया था, इसमें प्लस वन करेंगे, और अगर हम पॉइंट इधर रख के करेंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट 3 चलेंगे, 1 2 3, तो पॉइंट इस जगह आ जाएगा। और अगर हम 1 करेंगे तब भी यहाँ 4 हो जाएगा, जब इसमें हम 1 प्लस करेंगे, तो ये देखें 1 2 3 4। अगर आप इधर रख के पॉइंट करेंगे तो उसमें प्लस 1 करेंगे, और अगर आप इधर रख के पॉइंट रखेंगे तो जो यहाँ नंबर लिखा है वही करेंगे। अब आपके लिए जो आसान लेते हैं, ये पॉइंट इस जगह आ गया तो ये बन गया 9, इस नंबर का, इस नंबर का ये एंटी लॉग है। इसका पार्ट 2 भी देखते हैं, ये हमें दिया हुआ है माइनस में, माइनस का भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 74 के 2 में जाना है और इसका मीन डिफरेंस निकालना है, जो निकलेगा उसको 7 यानी मीन डिफरेंस में जमा कर देना है, और इसमें ओल्ड करना है उसका, यानी फॉर सपोज इसी को हम ले लेते हैं, जो आप लोग खुद निकाल के अपनी सेल में देखेंगे कि आपको आता भी है ये कि नहीं। हमने चलें यही नंबर ले लिया 3649। अगर हम पॉइंट इधर रखेंगे तो माइनस वन पीछे की तरफ के चलेंगे, और अगर हम पॉइंट इधर रखेंगे तो इसमें प्लस वन करेंगे, प्लस वन करेंगे तो 0 हो जाएगा, पॉइंट इसी जगह पर रहेगा, तो यहाँ इसका आंसर निकल जाएगा 0.3649। ये ऊपर वाले का आंसर है, इसका आप एंटी लॉग खुद ही निकालेंगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे होगा, कि एक डिजिट हम पीछे चलेंगे, अगर प्लस होगा तो आगे चलेंगे, तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज तक के लिए काफ़ी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हर अपडेट पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।